हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आदित्या L1 जो आपने सूरज की तरफ भेजा है। तो जानेंगे पाकिस्तान का रिएक्शन के पाकिस्तानी अवाम कैसे क्या चाहती है, क्या कह रही है पाकिस्तानी अवाम इंडिया के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर टीम आदित्या L1 and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed and this is got to be khabar bhi ye hai ki aaj jo hai India ne apni first observation mission jo hai wo suraj ki taraf bheja hai, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री। ऑब्वियसली सारी खबरें जब एक साथ आती है हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार करे तो करे क्या, कवर किसको करे? जा रहे इंडिया जाकर है, मतलब लाइक आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट अच्छी बात है, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ग्रोइंग सो फास्ट कि कोई पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं वो लोग। नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, तो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो कर लेंगे। अब ये जो चीज है, आप देखें जब इसरो इस सारे प्रोसेस को लाइव अवाम को दिखा रही होती है, और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज सारा पाकिस्तान बांध है तो मस्ती गलता से और एटम बम को आग उन्हों कर रहे हो जो एटम बम के पास बहुत सर पास। मैं ये कहता हूँ, अब आप इतनी बड़ी तोहीन एटम बम की नहीं हो सकती कि उनकी उनकी मेहनत के, क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं, यहाँ पे बस दंगे चल रहे हैं चीनी को लेके, आटे को चल लेके। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, एटम बम बेस के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए, मेरा ख्याल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूर्य पर भेजे गए अपने मिशन के लिए इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके साथ ही एक और नाम की जमकर चर्चा हो रही है और वो नाम है निगार शाह जी का। जी हाँ, निगार शाह जी भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 की परियोजना निर्देशक हैं। इस पूरे मिशन में उनकी बेहद अहम भूमिका रही है। आदित्य L1 मिशन में शामिल होने से पहले निगार शाह जी ने भारत रिमोट सेंसिंग संचार और अंतर्गीय उपग्रहों के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से उन्होंने भारत रिमोट सेंसिंग उपग्रह एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य किया, जो राष्ट्रीय संस्थान निगरानी और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इस क्षेत्र में उनके काम में छवि संपीड़न सिस्टम इंजीनियर और अंतरिक्ष इंटरनेट पर शोध शामिल थी। आपको यहां बता दें कि 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 सौर मिशन की सफलता पूर्वक लॉन्च किया है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर टीम आदित्य L1 and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed and this is got to be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our earth burns to rise the orbit and followed by the trans L1 injection and finally insertion into the halo orbit in the sun earth Lagrange point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC and all the sender directors for their support and guidance for making this mission possible. खबर भी ये है कि आज जो है इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री ऑब्वियसली। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या सूरज जैसी कड़ी डेस्टिनेशन हो सकती है? लिटरली मैं आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन, हम अपने आप को सोशल साइंसेज के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। ये नेचुरल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमें इन चीज़ों को क्या पता है, ये क्या, ये कौन सी दुनिया, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम।
ये जो लोग नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं या जो ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं तो इनको जीनियस कहता हूँ। ये तो बड़े जीनियस लोग होते हैं वाकई, जो सही मानों में जो इम्पोर्टेंट और पढ़े लिखे लोग होते हैं। एनी हाउ, अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इत्तलात मिली है, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है अभी तक, कि ये जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा जहां पे जो सूरज और जो जमीन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा, और ये उसको कहा जाता है ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये आदित्य L1 के लिए, कि ये वहां पे ऑर्बिट कर सकेगा, जमीन के साथ साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होते ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जमीन दो तरह घूम रही है, एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं, ठीक है जनाब। तो ये जो जारी बात है जमीन जो है वो उसके वो घूम रही है। अब जो कहा जाता है कि इस जगह में जब ये सेटेलाइट जाएगी तो उसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। अब देखिए इसके मल्टीपल चीजें हैं, इट्स नॉट, मैं कोई साइंस बात नहीं कह रहा है इसके। देखिए ये सोशियो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सोसाइटियल एडवांटेजेस हैं इंडियन सोसाइटी को। अब देखिए ना नरेंद्र, ये सुनने में आया कि अब इस सैटेलाइट को थे जान लगने 4 महीने, 4 महीने जिन्हें पढ़ना होता, बड़ा टाइम है उस वक्त। ये कौन सा महीना जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में ये पहुंच जाते मिशन हैं। आदित्य L1 की डेट अनाउंस कर दी है। 2 सितंबर 2023 को भारत अपना सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे क्या चंद्रयान 3 की तरह भारत का ये सोलर मिशन भी कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाहिर है। जाहिद क्या करते हैं? मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। जाहिद, पहले हमारा हमसाया मुल्क चांद पर गया, अब सूरज पर जाने की तैयारियां कर रहा है। डेट अनाउंस कर दी गई है 2 सितंबर को जो है वो भारत अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है, जो सूरज से कुछ दूरी पर रहकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो, वो बेसिकली वो कौन है? वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है, हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख रहे, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है, मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा। लो जी, वीडियो देखी है, वीडियो वाकई ही यार बड़ी कमाल की, और ये बड़े अफसोस की अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से कितना पीछे है। और हम कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं इंडिया को और इंडिया की अवाम को, अप्रिशिएट करते हैं उनकी कामयाबी के लिए। और वो जो सवाल पूछा गया जी कि क्या ये चंद्रयान की तरह ये कामयाब होगा, भाई होगा। इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने साइंसदानों पे, इसरो की टीम पूरी पे नाज है और उनको पता है, उनका इतना इनका उतना यकीन कामल है कि उनको पता है कि जो हमने मिशन भेजा है वो कामयाब होगा। और 380 करोड़ में ये मिशन आपने कंप्लीट किया है और इसका डिज़ाइन वगैरह भी जो बनाया ये भी कमाल का है। आपने सब कुछ एक ना टाइम टेबल के तहत और एक मंसूबे के तहत हर काम किया है।
तो ये होती है, जब कोई भी काम आप उसके मंसूबे के मुताबिक करेंगे ना तो वो कामयाब ही होगा। तो ये जो आदित्य L1 जो आपने सूरज की तरफ भेजा है ना, सूरज को स्टडी करने के लिए, उसमें क्या है, उसकी श्वाओं का क्या फ़ायदा है, या जो भी आपने स्टडी करना है उसके लिए आपने एक टाइम टेबल बनाया था और उसमें आप कामयाब होंगे। और पूरी दुनिया देख रही है आपकी तरफ, के पूरी दुनिया हिल के रह गई है कि यार इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, खासकर पाकिस्तान देख रहा है। आप देखें कि इंडिया के रुपये की कदर कितनी है यार, कितने ममालिक में इंडियन करेंसी में काम हो रहा है। इंडियन रुपए की बात कर लें हम, कि इंडिया हमसे कितना आगे है, इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडियन रुपीज़ कितने ममालिक में चल रहा है, इंडियन करेंसी में काम हो रहा है। और पाकिस्तान की करेंसी जो पाकिस्तान में भी नहीं चल रही है, एशिया में पाकिस्तान की करेंसी का वक़ार ख़त्म हो गया है। अब इस वक़ार के ख़त्म होने की वजह यह बनी कि आज जो डॉलर है वो 320-325 रुपए पे आ गया है एक डॉलर इंडिया पाकिस्तानी 325 रुपए में अमेरिकी एक डॉलर हो गया है। और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है, इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और तरक्की बेशक कर रहा है इंडिया, जो उनका उन्होंने हर चीज़ का ना एक टाइम बनाया हुआ है। अगर आप देख लें, यहाँ पे हमारे वज़ीर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बनाए गए थे, साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर बनाए गए थे फवाद चौधरी, जबकि उनका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था इस चीज़ से। ऐसे ही अब PCB के हमारे जो क्रिकेट के वो बनाए हुए हैं उन्होंने वज़ीर, ठीक है ना, वो उनका कोई दूर दूर से तल्लक नहीं है। इस तरह जिस शोबे का लोग होते हैं ना, जिस शोबे के लोग होते हैं उनके वज़ीर नहीं बनाए जाते, वो वज़ीर कुछ और होते हैं, शोबा कुछ और होता है, उनकी स्टडी कुछ और होती है, शोभा कुछ और होता है, समझ नहीं लगती। इंडिया बेसिक तरक्की करने का राज ही यही है कि जो बंदा जिस काम के लिए इंडिया ने चुना है ना, उसका जुम्मे वही काम लगा है। तो पहली तो बात यह है कि आपको कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी अवाम को, और ख़ास कर आपके इसरो की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। अप्रिशिएट करते हैं उनकी मेहनत को और दुआ करते हैं कि आपका जो आदित्य L1 मिशन है ये कंप्लीट हो और आप सूर्य के मतलब सही स्टडी करें जो आपको करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, भारत की अवाम के लिए, भारत इसरो के लिए। दुनिया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, मगर इंडिया बताएगा वक्त आने पे कि इंडिया ये कर रहा है, इसलिए कर रहा था। ये बहुत अच्छी बात है, जो बंदा तरक्की कर रहा हो, जो मुल्क तरक्की कर रहा हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम एक दिन का फ़र्क है हमारा और आपका, आप 15 को आज़ाद हुए, हम 14 को आज़ाद हुए, और आप देख लें कि हमारा हाल देख लें पाकिस्तान का, और आप अपना हाल देख लें, बांग्लादेश का हाल देख लें, बांग्लादेश कहाँ पे पहुँच गया यार, अफगानिस्तान देख लें, सारी उम्र जंग रही है वो कहाँ पे पहुँच गया, उसके यहाँ पे महंगाई की शरह देख लें आप कितनी, और पाकिस्तान की शरह देख लें। जब हमारे वजीर ही इस तरह के होंगे, हमारे वजीर साहब इस तरह के होंगे जो पाकिस्तान बाहर लंदन में जाके पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते, महंगाई के बारे में सोच नहीं सकते, बता नहीं सकते कि हम किन हालात में हैं, ठीक है, तो बताएं कि वो मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे। मुल्क को वही आगे लेके जाता है जो मुल्क का सोचता हो, जो मुल्क का खैर खा हो, जो जिस जगह में भी खड़ा हो, जिस मुल्क में खड़ा हो, अपने मुल्क की बात करे, वो मुल्क को आगे लेके जाता है। और आप करते हो, आप जहां पे भी जाते हो अपने हिंदुस्तान की बात करते हो, जिस मुल्क में जाते हो आप अपने मुल्क में आने के लिए कहते हो कि हमारे मुल्क में आओ, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, हम आपको जगह भी देंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, आप इन्वेस्ट करें हमारे मुल्क में, हम मिलके काम करते हैं। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री लगती हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, तो फिर देखें गुर्बत ऑटोमेटिक ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी, लोग पढ़ लिख के आगे निकलेंगे, इसलिए आप तरक्की कर गए हो इतनी, इसलिए आप तरक्की कर गए हो इतनी। तो बाकी हम खुश हैं क्योंकि आपने तरक्की की है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं, हमारा मुकाबला नहीं है आपसे, मगर हम आपकी तरक्की को देख के खुश होते हैं।
और मसाले देते हैं दुनिया को आपस में कि यार इंडिया की तरफ देखो कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इंडिया ने पहले चंद्रयान पे तजर्बा किया, चांद पे पहुँचा, वो सूर्य पे जा रहा है, फिर उसका मिशन है कि उसने समंद्रयान का तजर्बा करना है। इससे आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी ताकत का अंदाज़ा लगेगा दूसरे लोगों को, आपकी टेक्नोलॉजी का पता चलेगा दूसरे लोगों को कि इसके पास क्या क्या है चीज़ें, इंडिया क्या कर सकता है, जो सोचेगा वही कर सकता है इंडिया। ये होती है बात मुल्क को लेके जाने के लिए। आप आगे हो, हम अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बाकी हमारा आपसे मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन आपने देखा ही है, क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ये सारी दुनिया ही मानती है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है जी, बाकी हमारे सियासतदान अच्छे आए, हमारे सियासतदान मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रखते हैं वो आगे आए तो फिर शायद हमारा मुल्क तरक्की कर सके, हमारा मुल्क तरक्की की राहों पे जा सके और हम भी ज़िंदगी में कभी देख सके कि हमने भी चांद की तरफ कोई चीज़ भेजी है, चाहे वो कामयाब हो ना हो मगर हमने कोशिश की है, हम भी ये देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी पता नहीं वो वक्त आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जो वक्त आ रहा है ना पाकिस्तान में, वो आज जो दिन गुजरा इससे अगला दिन बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब सो के उठते हैं तो पता चलता है जी ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, पता तब भी चलता है जब सो के उठते हैं हम। और आपके मुल्क में हर चीज़, जब भी आपको कोई त्यौहार आता है आपको हर चीज़ का तोहफा मिलता है कि आप सस्ती कर रहे हैं चीज़ें। जब आवाम खुश होगी ना तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। तो ये आपकी टीम को, आपकी इसरो की टीम को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनकी मेहनत को, उनकी टाइम टेबल को हम अप्रिशिएट करते हैं, कि बाकी दुआ करते हैं कि आपका द्वितीय L1 कामयाब हो मिशन जो आपने आज 2 सितंबर को वो लॉन्च किया है, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये बल्कि सारी दुनिया दुआ कर, मैं सारी दुनिया को खसूसी मैं उनको पैगाम देता हूँ कि वो दुआ करें कि जो आपने ये जो काम मिशन भेजा है, कोशिश की है, इसको कामयाब अल्लाह करे, अल्लाह पाक कामयाब करे, क्योंकि ये तो हमारे अल्लाह ताला का फरमाने वाली शान है कि जो बंदा मेहनत करता है मैं उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। उसमें यह नहीं लिखा कि कोई मुसलमान ही मेहनत करे तो ज़ाया नहीं जाने देता, नहीं, उसमें सब लिखा है कि जो बंदा मेहनत करेगा उसकी मेहनत को मैं ज़ाया नहीं जाने देता, उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। तो आपको इसका फल मिलेगा, आप सूरज पे भी अपनी हुकूमत करोगे जैसे आपने चांद पे हुकूमत की। मैं हैरान हूँ चांद की उस जगह पे गए हो, डार्क हिस्से पे जहाँ पे दुनिया में कोई जा नहीं सका। तो बाकी कंग्रेचुलेशन आपको, आपकी टीम को, कि बहुत अच्छा कदम उठाया, अल्लाह आपको कामयाब करे। और आपने जिस मिशन के लिए इसको भेजा वो आप स्टडी करें सूरज की शुआओं को, तो आप उसमें सफल हों ताकि दुनिया को पता चले कि ये कुछ तजर्बे इंडिया कर सकता है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान के भी हालात चेंज हों, पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पे गामजन हो, पाकिस्तान में भी महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो, खुशहाली आए और पाकिस्तान में भी रोज़गार खुलें। ठीक है जी, हर गरीब बंदे को उनकी पहुंच के मुताबिक हर चीज़ मुहैया हो। ठीक है जी, ये आप दुआ लाजमी कीजिएगा हमारे पाकिस्तान के बारे में भी। हमने यही ख़त्म कर ली ना, गुर्बत ही हमने ख़त्म कर ली, महंगाई पे भी हमने काबू पा लिया, बिजली हमने सस्ती कर ली, समझ ले हम चांद पे पहुंच गए। आप यह समझिएगा हम चांद पे पहुंच गए, बस दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आए। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।